हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप डेमोक्रेटिक लीडरशिप के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स चलिए देखते हैं तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि वॉट इज़ डेमोक्रेटिक लीडरशिप डेमोक्रेटिक लीडरशिप होता क्या है ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो अराइव होता है सबके मन में और इसका आंसर है डेमोक्रेटिक लीडरशिप आल्सो नोन एज पार्टिसिपेटिव लीडरशिप डेमोक्रेटिक लीडरशिप है जो होती है उसे पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी कहा जाता है दिस लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट लेटिंग मल्टीपल पीपल पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इस लीडरशिप में क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको पार्टिसिपेट करने का डिसीजन मेकिंग में हिस्सा मिलता है इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल ये जो लीडरशिप स्टाइल है ये मोस्ट इफेक्टिव है और ज़्यादातर यूज़ होने वाली लीडरशिप स्टाइल है तो ये थी डेमोक्रेटिक लीडरशिप अब इसके बेनिफिट्स को देख लेते हैं तो फर्स्ट बेनिफिट है दिस टाइप ऑफ लीडरशिप ब्रिंग्स मोर व्यू पॉइंट टू द टेबल अब सबको मौका मिलेगा तो व्यू पॉइंट तो ज़्यादा होंगे ही होंगे तो सबके अलग अलग व्यू पॉइंट होते हैं इस लीडरशिप में बहुत सारे व्यू पॉइंट मिलते हैं सेकंड देखते हैं इट अलाउज़ मोर इफ़ीसियट प्रॉब्लम सॉल्विंग अब बहुत सारे आइडियाज़ होंगे सब लोग अपने अपने आइडियाज़ देंगे तो जो प्रॉब्लम है, वो अच्छे से अच्छे तरीके से सॉल्व की जा सकती है थर्ड पॉइंट देखते हैं इट विल्ड्स स्ट्रांग एंड क्लियर विज़न फॉर द फ्यूचर ये एक मजबूत और अच्छा विज़न जो है वो फ्यूचर के लिए सेट करता है जो ये लीडरशिप का स्टाइल है फोर्थ पॉइंट देखते हैं इट विल्ड्स टीम रिलेशनशिप ये टीम रिलेशनशिप्स को भी बढ़ावा देता है फिफ्थ पॉइंट देखते हैं इट आल्सो अलाउज फॉर मोर इफिशियंट प्रॉब्लम सॉल्विंग ये तो सेम है एज पॉइंट टू कि इफिशियंट तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है चलिए अब देखते हैं ड्रॉबैक्स फर्स्ट ड्रॉबैक है इट माई रिजल्ट्स इन द स्लो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस ये डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस को स्लो कर देता क्योंकि सब लोग अपने अलग अलग एडवाइस देते हैं अलग अलग लीडर्स मतलब अलग अलग एडवाइस देते हैं तो वो उसमें दिक्कत हो जाती है इसी जो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है नॉट वेरी इफेक्टिव इन क्राइसिस क्राइसिस में इफेक्टिव नहीं होता है क्योंकि सब लोग अलग अलग आइडियाज़ देंगे बहुत सारे आइडियाज़ आएँगे तो लीडर जो है वो सही से डिसाइड नहीं कर पाता है क्राइसिस के टाइम दिक्कत हो जाती है थर्ड पॉइंट देखते हैं दिस टाइप ऑफ लीडरशिप शोज़ आर लैक ऑफ़ एक्सपर्टाइज ये एक्सपर्टाइज़ में भी कमी आ जाती है ये दिखाती है मतलब कि एक्सपर्टाइज़ नहीं होती है बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं तो डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है फोर्थ पॉइंट की ओर देखते हैं दे आर आर मैनी चांसिस ऑफ डीलिंग विथ रिजेक्शन्स जो इंप्लॉयज़ होते हैं वो तो अपना आइडिया प्रजेंट करते हैं लेकिन उनका आइडिया अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा वो तो बाद में पता चलता है तो बहुत सारे चांसेस होते हैं रिजेक्शन के ज़्यादातर चांसेस रिजेक्शन के ही होते हैं क्योंकि आइडिया तो बहुत कम ही लिए जाएंगे या एक ही तो हो सकता है लिए जाए तो रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इन दिस लीडरशिप नॉट एवरी ऑप्शन नॉट एवरी ऑप्शन डज नॉट गेट वैल्यूड हर ऑप्शन को वैल्यूड नहीं किया जा सकता ये फोर्थ पॉइंट से मिलता हुआ होता है कि कुछ जो लेके जाते हैं तो उनका एक्सेप्ट हो जाता है कुछ का रिजेक्ट हो जाता है तो जिसका ज़्यादा अच्छा होता है उसका एक्सेप्ट हो जाता है और जिसका बेकार होता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है तो जो सबको बराबर वैल्यू नहीं मिलती है अच्छे वाले को ज़्यादा मिलती है अच्छा वाला ही लिया जाता है तो दोस्तों ये थे हमारे बेनिफिट्स और ड्राबैक्स जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप हैं उसके तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें धन्यवाद